On the 8th of September, 1659, huge crowds gathered as a prince came through the streets of Delhi. वो तारीख थी 8 सितंबर 1659. सड़कों पर उस दिन भारी भीड़ थी. एक शहजादा उस दिन दिल्ली की सड़क पर निकला था. उस सड़क पर जो ठीक मेरे सामने से लाल किले तक जाती है. वहां पैदल सैनिक थे, घोड़सवार थे. शहजादे का नाम था दारा. लेकिन ये किसी जीत का जश्न नहीं, ये सरेआम बेइज्जती थी. दारा एक मरियल से बूढ़े हाथी पर बैठा हुआ था, गंदगी से ढका. उन दिनों मुगल दरबार में रह रहे वेनिस के एक यात्री निकोलो मनुची ने इस बारे में कुछ यूं कहा है. उसके गले में अब शानदार चमकदार मोतियों के वो हार नहीं थे जो हिंदुस्तान के शहजादे को अलग पहचान दिलाते थे. उसकी पगड़ी कश्मीरी शॉल की तरह लपेटी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे गरीब लोग पहनते थे. दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा. दारा मुगल साम्राज्य का वारिस था और अपने पिता का चहेता भी. शाहजहां ने अपने बेटों को दूर दराज के रियासतों पर राज करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने दारा को सालाना 2 करोड़ रुपए की मुजराई देकर अपने पास रखना मुनासिब समझा. इस वजह से दरबार में कुछ लोग दारा को दारा बाबा भी बुलाते थे. तो किस्मत ने ऐसी क्या करवट ली कि शहजादा दिल्ली की सड़कों पर यूं बदहाल हो गया. दारा की कहानी उसके जिज्ञासु मन की कहानी है, जो उसकी ताकत भी थी और उसके पतन की वजह भी बनी. शाही दरबार से मिलने वाली पूरी रकम को दारा धार्मिक विचारों की अपनी धुन, धर्म और दर्शन से जुड़े ग्रंथों के अनुवाद और मुगल शैली की कलाकृतियां बनवाने में खर्च कर देता था. दारा की इसी धुन ने उसे अपने समय का सबसे ज्यादा ठगा गया शख्स बना दिया. दारा की रुचि कई धर्मों और संस्कृतियों में थी. वो सूफियों, योगियों और अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं से घिरा रहता था. 1656 की शुरुआत में उसने उपनिषदों का अनुवाद शुरू करवाया. उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और इन्हें वैदिक हिंदू धर्म का स्रोत समझा जाता है. न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर जनार्दन गेनरी कहते हैं, उस वक्त मुगल साम्राज्य के वारिस के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था. किसी के पास इस तरह के संसाधन नहीं थे. उसने संस्कृत सीखने की कोशिश की, लेकिन एक और कहानी भी है जो दारा की कहानी के साथ साथ चलती है. दारा के धार्मिक कट्टरपंथी भाई औरंगजेब की. दोनों की इस होड़ के नतीजे ने शायद भारत के इतिहास की धारा का रुख ही मोड़ दिया. बरकले में इतिहास के प्रोफेसर मुनिस फारूकी कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द टू मैन वाज पॉइजनस. दोनों के संबंधों में जहर घुला हुआ था बहुत कम उम्र से. ये संबंध जहरीले इसलिए थे क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे को प्रतियोगी और संभावित हत्यारे के तौर पर देखने लगे. शाही तख्त पर कब्जे की होड़ में शामिल हो गया सुंदरता का उपासक और सपने देखने वाला दारा और उसका कट्टरपंथी सैनिक भाई औरंगजेब. एक समकालीन विश्लेषक ने साधारण सा विरोधाभास देखा. जब दारा संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था, औरंगजेब अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था. यूं होता तो क्या होता, कुछ ऐसी ही कहानी है इन दोनों भाइयों की भी. क्या होता अगर उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जिसकी बेइज्जती हुई वो दारा की जगह औरंगजेब होता और दारा बादशाह बन गया होता, तो क्या वो मुगल साम्राज्य को उस तरह बिखरने से बचा सकता था जैसा औरंगजेब के राज में हुआ? कुछ लोग जरा आगे की सोचते हैं. दारा भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण को प्रेरित कर सकता था. तब शायद भारत पश्चिम के बराबर खड़ा होता और 150 सालों की गुलामी से बच जाता. शायद धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा भी ना हुआ होता. दारा किसी जासूस की तरह धर्मों के बीच भाईचारे की तलाश करता रहा. कुरान के एक अंश में छिपी किताब का जिक्र पाकर दारा आश्वस्त हो गया कि यहां इशारा उपनिषदों की ओर है. दारा ने अस्तित्व की एकता के सिद्धांत को मानना शुरू किया, जिसके मुताबिक सारे धर्म ईश्वर की तलाश में किसी एकेश्वरवादी सत्य में मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदियां सागर में मिलती हैं.
दारा का मानना था कि हिंदू वैदांतिक दर्शन के अध्ययन से इस्लाम के ढके छिपे रहस्य उसके सामने आ रहे हैं, जिससे उसे इतना विशेष ज्ञान मिलेगा कि वो बिना किसी चुनौती के तख्त पर जा बैठेगा। मुनिस फारूकी, यू नो, फ्रॉम द टाइम दैट ही वाज अ यंग मैन, ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू हैव टू फाइट फॉर द मुगल थ्रोन। मुझे लगता है कि दारा के बड़े राजनीतिक हिसाब किताब का एक अहम हिस्सा ये भी था कि वो खुद को एक आदर्श व्यक्ति की तरह पेश करे, कोई ऐसा जो शायद वो सभी दिव्य रहस्य जानता हो जो किसी आम आदमी को पता ना हो। दारा ने मुगल ताज की अपनी राह को कुछ ऐसे देखा कि वो ऐसा व्यक्ति है जो सारे धार्मिक रहस्य जाहिर कर देगा। मुगल साम्राज्य में शाही उत्तराधिकार की लड़ाइयां अक्सर खून खराबे से भरी होती थी। शहंशाह का हर बेटा ताज पर दावा ठोक सकता था, लेकिन दारा ने उन दरबारियों को ही दूर कर दिया था जिनके समर्थन की जरूरत उसे पिता की मौत होने पर पड़ती। दारा के समर्थक निकोलो मनुची लिखते हैं, दारा अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो खुद को हर काम में सक्षम मानता था और उसे लगता था कि उसे सलाहकारों की जरूरत नहीं है। जो सलाह देते वो उनसे नफरत करता, इसलिए उसके प्रिय मित्र उसे सबसे जरूरी चीजें भी नहीं बताते। उसे लगता कि सब उसे प्यार करते हैं और किस्मत आखिर उसी का साथ देगी। जनार्दन गैनरी कहते हैं, Maybe he was a dreamer, maybe to some extent, as all philosophers, he spent his time... शायद वो सपने देखता था। दूसरे दार्शनिकों की तरह वो विचारों के बारे में सोचता था, ना कि प्रशासन के बारे में। शायद धार्मिक एकता के बारे में कम और प्रशासन के बारे में दारा ज्यादा सोचता तो अच्छा रहता। इस बीच औरंगजेब खुद को मजबूत कर रहा था। वो अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा था और शाही सिंहासन पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। मुनिस फारूकी शहजादे औरंगजेब के बारे में बताते हैं, औरंगजेब ने मध्य भारत में काम किया, उसने दक्कन में दो लंबे कार्यकाल बिताए, वो गुजरात में रहा, मुल्तान में रहा, उसने उत्तरी अफगानिस्तान पर हमले में हिस्सा लिया और कंधार पर चढ़ाई में भी, वो सब जगह था। इन सालों में उसने अपने व्यक्तित्व को एक योद्धा, एक प्रशासक के तौर पर ढाला। उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा गया जो लोगों की परवाह करता है, धर्म में आस्था रखता है, राज्यों पर हमलों में मिली रकम को अपने साथियों में बांटता है, और फिर हैरानी की बात नहीं कि जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई तो इनमें से कई लोगों ने उसका साथ दिया। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा तो शाही तख्त एक तरह से खाली हो गया। औरंगजेब ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चाल चली। वो न सिर्फ अपने भाई को सैन्य मामलों में नादान मानता था, बल्कि उसका यह भी मानना था कि दूसरे धर्मों में उसकी दिलचस्पी से वो धर्म त्यागी हो गया है और राज करने के लायक नहीं। अब दोनों भाइयों की टक्कर मैदान जंग में होनी थी। When the two armies met at Samagar, not far from Agra, in June 1659, the battle was predictably brief. जून 1659 में दोनों सेनाएं आगरा के नजदीक समोगढ़ में आमने सामने थी। उम्मीद के मुताबिक लड़ाई बेहद संक्षिप्त रही। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब एक राजपूत सैनिक के वार से मरते मरते बचा, लेकिन जल्द ही संभल गया। वहीं दारा के हौदे को एक रॉकेट लगा और वो तेजी से हाथी से उतर गया। उसके सैनिकों ने जल्द ही उसके डर को समझ लिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में दारा के 10,000 सैनिक मारे गए। जो बचे उन्होंने दारा का साथ छोड़ दिया। दारा भगोड़ा बन चुका था। उसके रेशमी कपड़ों की जगह बेकार कुर्ते और सस्ते जूतों ने ले ली थी। आखिर में उसे एक अफगान सरदार मलिक जीवन ने धोखा दे दिया। मलिक जीवन ने उसे बचाने का वादा किया और फिर औरंगजेब को सौंप दिया। इसके बाद फटेहाल दारा का एक छोटे से साधारण से हाथी पर जुलूस निकला। बेहद उदास नजारा था। जिसने भी उसे देखा उसे तरस आ गया, क्योंकि इतने कम समय में इतना ताकतवर, इतना अमीर, इतना मशहूर शहजादा इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका था। औरंगजेब के दरबार में हुए दिखावटी मुकदमे में दरबारियों ने करीब करीब एक मत होकर दारा को मृत्युदंड की सिफारिश कर दी और फिर 9 सितंबर 1659 को उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसका सिर काटकर औरंगजेब को पेश किया गया। उसके शरीर को
हुमायूं के मकबरे के इसी मैदान में कहीं दफन कर दिया गया। But maybe we can come closer to him by leaving behind the tomb and its rose garden and the picnickers. लेकिन शायद हम इस मकबरे को और इसके गुलाबों के बाग को पीछे छोड़कर दारा की लाइब्रेरी के खंडहर की ओर जाकर दारा के ज्यादा करीब जा सकते हैं। ये जगह एक सरकारी यूनिवर्सिटी के परिसर में दुकानों की एक कतार के पीछे किसी राज की तरह है। बीती सदियों में यहाँ एक पंजाबी रईस, एक ब्रितानी साहब का घर रहा है और एक सरकारी स्कूल भी। ब्रितानी अंदाज की इमारत जिसमें रोमन शैली के खंभे लगे हैं और कंगूरे जो जयपुर बालू पत्थर के हैं अब चूने की परतों से ढकी हुई है। यही बचा है उस लाइब्रेरी का जो दारा के पिता ने अपने पुस्तक प्रेमी बेटे के लिए बनवाई थी। ये दुर्लभ पांडुलिपियां और इस लाइब्रेरी में जो काम मौजूद है वो दारा की धुन का अनूठा विषय है। लेकिन ये रास्ता मुगल सिंहासन तक नहीं जाता था। मुगलों के मानदंडों के मुताबिक दारा एक नाकाम शख्स था। उसे बदनसीब भी कहा गया, उन शहजादों में से एक जो उत्तराधिकार की लड़ाई में आगे नहीं बढ़ सके। तो भारत का वैकल्पिक इतिहास क्या होता अगर दारा सिंहासन पर बैठता और एक उदारवादी दार्शनिक बादशाह बनता? एक लुभावना सपना, लेकिन एक तरह का भ्रम भी। दारा की दिलचस्पी संस्कृतियों के साथ रहने और पनपने में नहीं थी। उसे तो भरोसा था कि वो इस्लाम का सत्य ढूंढ रहा है और अगर वो बादशाह बनता तो शायद राजनीतिक दक्षता का अनुभव न होने के चलते उसके शासन में मुगल साम्राज्य का पतन कहीं जल्द हो गया होता। कयास एक तरफ, दारा की विरासत ज्यादा असली है। दारा ने उपनिषदों और दूसरे संस्कृत ग्रंथों के जो अनुवाद कराए उनसे यूरोप के विद्वानों की नजर उन पर पड़ी। दारा की मौत के बाद उसका काम न सिर्फ इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया बल्कि भारत और पश्चिम के भी बीच। एक और सवाल, क्या होता अगर उसने ये अनुवाद नहीं कराए होते? वो शायद ज्यादा कामयाब शहजादा होता, बादशाह भी बन जाता, लेकिन हमारी सोच आज ज्यादा सीमित होती।